राहुल को मोदी सांगिया प्रसंग। सुप्रीम कोर्ट रे पहुंचले पुर्णेश मोदी। विभिन्न राज्य रे चली राहुल को मानहानि मामला। पाखे आसिले 2024 निर्वाचन। निर्वाचन प्रचार सह मोदी सांगिया को नहीं एक प्रकार समस्या जाल रे छंदी होई पड़िछंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। किंतु कर्णाटक विजय पर कांग्रेस 2024 निर्वाचन रे शासनगादी हातेबो बोली एक प्रकार आशावादी रही। एसबु भितर राहुल विरोध में चली मानहानि मामला राजनैतिक चर्चा को अधिक खोराक जगाउछि। कारण राहुल मोदी सांगिया प्रसंग बिवाद थमिबार ना नेउनी। एने राहुल अनेक समस्यार सम्मुखीन होता बेले वर्तमान सुधा यह प्रसंग को नहीं राहुल पिछा छाड़ुनी बीजेपी। गुजरात समेत देशर विभिन्न राज्य में राहुल मंतव्य को नहीं मानहानि मामला चली बेले सुरट कोर्ट दंडादेश शुणाई जहांकि गुजरात हाइकोर्ट में कायम रही। एभली स्थित कांग्रेस ए प्रसंग को नहीं सुप्रीम कोर्ट जावाक स्थिर करु। तापूर्व गुजरात बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते। पुर्णेश मोदी अभियोग आधार में ही सुरट कोर्ट राहुल को विरोध में दंड शुणा सदस्य पद मध्य रद्द होपरिक। गुजरात कोर्ट मध्य राहुल को दंड उपर रोक किंबा कोहल प्रसंगित मामला को खारज कर तेणु एवं सुप्रीम कोर्ट राहुल को एकमात्र भरोसा थिबा बेले सेठारे राहुल को आवेदन पूर्व बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी पहुंचिछंती। सुप्रीम कोर्ट रे से काविट फाइल करिछंती। गुजरात हाईकोर्ट को राय विरोध में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन कले पक्ष रखिबार सुजोग देबाकु से निवेदन करिछंती। जुलाई 7 तारीख में राहुल गांधी संपर्कित मामलार राय आसिबा परे से दिन ही निज वकील पीएस सुधीर को द्वारा पुर्णेश सुप्रीम कोर्ट रे कैबिनेट फाइल करथिबा सुप्रीम कोर्ट को वेबसाइट रु स्पष्ट होईछि। तेणु राहुल को दंडादेश उपरे कोनोसी भी स्थिति रे रोक न लागू बोली बीजेपी चाहुथिबा चर्चा होईछि। सेथिपई कांग्रेस पक्षरु देशव्यापी मौन सत्याग्रह मध्य आयोजित होईछि। देशर प्राय समस्त राज्य रे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौन प्रतिवाद करिछंती। तेणु स्थिति एभली होथिबारु कांग्रेस राहुल को प्रसंग को नै किभलि आगु को बढ़िबो ताकु नै राजनीतिक चर्चा जोर धरिछि। ब्यूरो रिपोर्ट राइजिंग ओडिशा।